हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी फ्रॉम evidhyanti.in। सो अब हम चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग दी ब्लैंक्स। ए पार्ट है अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड। अब ऐसी जगह जहां पे एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है बट उन्हीं के नेचुरल हैबिटेट में, सो दैट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो आई कैन सिंपली राइट सेंचुरीज। ठीक है, सेंचुरी या सेंचुरीज लिख सकते हैं। बी पार्ट है स्पीशीज फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज। अब ऐसी स्पीशीज जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है नोन एज एनाडेमिक, राइट। सो नेक्स्ट है हमारे पास माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे प्लेसेस बिकॉज ऑफ डैश चेंज। तो कब माइग्रेशन होता है? जब क्लाइमेट चेंज होता है। सो बिकॉज ऑफ द climatic changes, or we can write because of the climate change. Okay, so this was question 1. Moving to the next question, question number 2 says differentiate between the following. So mere paas kuch alag alag cheeze de rakhi hongi, hame unke beech mein difference batana hai. Jaise first hai wildlife sanctuary and biosphere reserve. So ab ek wildlife sanctuary aur biosphere reserve ka kya difference hota hai? प्रोटेक्ट एरिया टू कंजर्व एनिमल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। जब हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो वो एनिमल्स को प्रोटेक्शन देते हैं उन्हीं के नेचुरल हैबिटेट में, ऐसा नहीं कि उनको उठा के कहीं और रख दिया जाए जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व में होता है। सो बायोस्फीयर रिजर्व इज लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया कंस्ट्रक्टेड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को मतलब एज अ होल देख रहे हैं वो, तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्लांटेशन कल्टीवेशन ग्रेजिंग डिफॉरेस्टेशन हंटिंग पोचिंग एंड लिविंग आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो जब हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो ये सभी एक्टिविटीज वहां पे अलाउड नहीं है। हंटिंग नहीं कर सकते, प्लांटेशन नहीं कर सकते, डिफॉरेस्टेशन नहीं होता, तो ये सारी चीजें वहां पे बैन है। ऑल्सो लिविंग, वहां पे कोई रह भी नहीं सकता। लेकिन इसके कंपैरिजन में जब हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो सेम प्लांटिंग कल्टीवेशन ग्रेजिंग डिफॉरेस्टेशन हंटिंग एंड पोचिंग आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। हाउएवर ट्राइबल ग्रुप्स स्टिल एग्जिस्ट इन दीज रिजर्व। सो बेसिकली द पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज यहाँ पे लिविंग इज प्रोहिबिटेड, नहीं रह सकते, बट हियर ट्राइबल पीपल स्टिल लिव। ठीक है, लास्ट है एग्जाम्पल ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट इन इंडिया एंड इसमें पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व के। नेक्स्ट बी पार्ट हमारे पास है जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट अ जू एनिमल्स लिव इन एन आर्टिफिशियली मेड कंस्ट्रक्टेड एनवायरमेंट। तो वहां पे एक जू एक जगह बनाई गई है जहां पे एनिमल्स को रखा जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है, वो अपने नेचुरल हैबिटेट है, उसी में ही रह रहे हैं, वहीं पे उनकी प्रोटेक्शन की जा रही है। सो एनिमल्स आर कंजर्व इन देयर नेचुरल हैबिटेट। ओके, नेक्स्ट ओपन फॉर पब्लिक व्यू। नाउ वी ऑल नो जू वगैरह में हम लोग विजिट कर सकते हैं, सो इट इज ओपन फॉर पब्लिक, बट व्हेन वी टॉक अबाउट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन एक्सेसिबल टू दी पब्लिक। पब्लिक को वहां पे जाके, ऐसा नहीं जैसे हम जू में जाके आराम से एंजॉय कर लेते, देख सकते हैं वहां पे, ऐसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में नहीं हो। Then C part है endangered and extinct species. अब endangered species और extinct species में क्या difference है? So endangered species are animals that are prone to extinction. मतलब ऐसे animals जो with time, जैसे कि उनका number decline होता जा रहा है, तो time के साथ कुछ time बाद वो लोग भी extinct हो जाएंगे। Extinct होना मतलब खत्म हो जाना, कि उनका कोई एक भी उन species का part नहीं बचेगा earth पे। That is what endangered it, कि अभी वो एंड नाम से पता चला डेंजर में है, राइट। बट वेन वी टॉक अबाउट एक्सटिंक्ट, सो मतलब कि अब वो बचे ही नहीं है। एक्सटिंक्ट स्पीशी आर नो लॉन्गर लिविंग ऑन दी अर्थ, अर्थ पे दे आर नो लॉन्गर लिव। अगेन सेकेंड पॉइंट, द नंबर ऑफ दीज एनिमल्स आर ड्रास्टिकली रिड्यूसिंग। अब इनका नंबर ड्रास्टिकली रिड्यूस होता जा रहा है, एंड एक्सटेंशन की एक्सटिंक्ट स्पीशी की बात करें तो नंबर of these animal is nil on the earth. So, क्योंकि वो extinct हो चुके, तो there is nil number. Nil मतलब होता है zero. Next है destruction of natural habitat makes a species endangered. अब वो कैसे कोई species endangered होता है? Because of the destruction
और उनके जो नेचुरल हैबिटेट है वो जब डिस्ट्रॉय होते रहते हैं तो धीरे धीरे करके उनका जो नंबर है वो रिड्यूस होता रहता है, वो एंडेंजर हो जाते हैं. देन द कॉज एक्सटिंक्शन ऑफ अ स्पीशी कैन बी ड्यू टू पॉल्यूशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, देन इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेंसिव स्पीशीज सच एज अ न्यू प्रेडेटर एंड फूड कंपटीटर्स, ओवर हंटिंग एंड अदर इन्फ्लुएंसेस. तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं किसी भी स्पीशी के एक्सटेंड होने के. अगर बहुत ज्यादा हंटिंग हो रही है तो हंटिंग में ही उनकी स्पीशीज खत्म हो सकती हैं. अगेन उनका अगर नेचुरल हैबिटेट खराब कर दिया जाएगा, डिस्ट्रक्ट कर दिया जाएगा, तो अपने आप ही वो नेचुरली ही मर जाएंगे. सो देर आर मेनी अदर रीजन जिससे कोई स्पीशी एक्सटिंग हो जाता है. देन एंडेंजर्ड की अगर हम बात करें तो स्मॉल एनिमल्स आर मोर एंडेंजर्ड देन लार्ज एनिमल्स. तो स्मॉल एनिमल्स का ज्यादा चांसेस है एक्सटेंड होने का देन कंपेयर टू दी लार्ज एनिमल्स. एंड देन लार्ज एनिमल्स आर मोर एक्सटिंक्ट देन स्मॉल एनिमल्स. तो लार्ज एनिमल्स अभी तक जो हमारा हिस्ट्री है उसमें जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज है दे आर ऑल लार्ज एनिमल्स. एग्जाम्पल डायनासोर. डायनासोर्स के बारे में हमने सुना हुआ है बट आई एम श्योर किसी ने भी कहीं पे भी लाइव नहीं देखा, राइट? देन अगर हम एंडेंजर की बात करें सो टाइगर है, वाइल्ड बफलो है एंड एटसेट्रा. देन लास्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन में फ्लोरा एंड फौना. अब इसके बीच में क्या डिफरेंस है? फ्लोरा होता है प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया. एक पर्टिकुलर एरिया के जो प्लांट्स होते हैं दे आर फ्लोरा एंड एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया आर फौना. एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लोरा इंक्लूड सल, कोरल, टीक, मैंगो, जामुन, सनफ्लावर एटसेट्रा. ये सारे प्लांट्स हो गए. एंड जब हम फौना की बात करते हैं सो एग्जाम्पल्स ऑफ फौना इंक्लूड डियर, लायन, पैरट, ईगल एंड गोल्डफिश एटसेट्रा. ओके, सो दिस वॉज आर सेकेंड क्वेश्चन जिसमें हमने डिफ्रेंशिएट बिटवीन किया बहुत अलग अलग चीजों का. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं तो आपको जरूर इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द फॉलोइंग. सो अगेन इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. वील टेक दिस क्वेश्चन इन द next session. So I'll see you all again in the next session. Till then take care and bye-bye. So now let's continue with the exercises. We are on question number 3. Discuss the effects of deforestation on the following. So deforestation ka kya kya effect hota hai alag alag cheezon pe wo hum discuss karenge. Jaise sabse pehle deforest ka effect wild animals pe kya hota hai. Trees are the habitats as well as sources of food for the wild animals. अब जो ये trees है, deforestation basically means cutting down trees. Now these trees are the natural habitat है उनके animals के and also a source of food also naturally. ठीक है? Then deforestation leads to the destruction of the natural habitat of wild animals. तो wild animals का जो natural habitat है वो destroy होता है अगर deforestation होता है तो. नेक्स्ट है एनवायरनमेंट. अब डिफॉरेस्टेशन का एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेस द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑफ द एनवायरनमेंट. डिफॉरेस्टेशन से एक तो टेम्परेचर राइज होता है एंड पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाता है एनवायरनमेंट का. देन विद द इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल एंड अ डिक्रीज इन द ऑक्सीजन लेवल इट गिव्स राइज टू ग्लोबल वार्मिंग. इट ऑल्सो लोअर्स द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर. सो ग्लोबल वार्मिंग होता है, इससे क्या करता है ये एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता रहता है और ऑक्सीजन का लेवल कम होता रहता है. एंड वी ऑल ह्यूमन बींग्स नीड ऑक्सीजन टू बी, क्योंकि वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. ट्रीज हैं जो ऑक्सीजन देते हैं. सो जब हम ट्रीज को एक कट डाउन करते रहेंगे तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होती जाएगी विच विल लेड टू ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है? एंड ऑल्सो जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल भी कम होता जाएगा. नेक्स्ट है मोर ओवर डिफॉरेस्टेशन डिक्रीजेस द सॉइल फर्टिलिटी एंड सो इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ नेचुरल कमोडिटीज. अब क्या होता है डिफॉरेस्टेशन जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो खराब होती है बिकॉज जब हम ट्रीज को कट डाउन कर देते हैं जो उसकी टॉप सॉइल होती है ग्राउंड की दैट इज मोर प्रोन टू पॉल्यूशन एंड एवरीथिंग, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी खराब होती रहती है एंड नेचुरल कमोडिटीज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. ड्रॉट होना, फ्लड होना, ये सब चीजों के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. देन सी है विलेजेस. सी पार्ट में विलेजेस पूछा, मतलब रूरल एरियाज में क्या इफेक्ट होता है डिफॉरेस्टेशन का. सो द डिक्लाइन इन रेनफॉल द डिक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी एंड द चांसेस ऑफ नेचुरल डिजास्टर इफेक्ट द विलेज लाइफ. जब हम बात करते हैं कि रेनफॉल डिक्रीज हो जाती है,
सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जाती है, चांसेस नेचुरल क्लैमिडिटीज के बढ़ जाते हैं, तो वो सबसे पहले इफेक्ट किसको करती है? विलेज लाइफ, देन सिटीज मतलब अर्बन लाइफ, जो अर्बन एरियाज में लोग जी रहे हैं उन पे कैसे डिफॉरेस्टेशन इफेक्ट करता है. सो डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट्स इन ग्लोबल वार्मिंग, इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ पॉल्यूशन, हेंस डिफॉरेस्टेशन इफेक्ट्स द लाइफ इन सिटीज ऑल्सो. सिटीज की लाइफ को भी वो इफेक्ट करती है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इज अ इशू फॉर एवरीवन, है ना. ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उससे एंड लेवल ऑफ पॉल्यूशन बढ़ रहा है. देन अर्थ पे डिफॉरेस्टेशन का क्या इफेक्ट होता है? डिफॉरेस्टेशन decreases the fertility of soil, it changes the physical properties of soil, all these changes result in desertification. अब आप देख लो सकते हो कि एक deforestation का अलग अलग चीजों पे कितना impact पड़ता है, वही हमने इस पूरे question में discuss किया. So earth की भी, so soil की, आप देखो points वही same रहेगी कि fertility खराब हो रही है, global warming हो रहा है, लेकिन ये हर जगह पे हर area पे effect कर रहा है, ठीक है. So now moving to the नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं अभी इसी में हमारे पास है नेक्स्ट जनरेशन. नाउ द कमिंग जनरेशन जो होगी उसका डिफॉरेस्टेशन पे क्या, डिफॉरेस्टेशन का उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सो डिफॉरेस्टेशन विल मेजरली इफेक्ट द लाइफ ऑफ नेक्स्ट जनरेशन. द नेक्स्ट जनरेशन विल फेस प्रॉब्लम्स एट एवरी स्टेप, लाइक क्लाइमेटिक कंडीशन विल बी एडवर्सली इफेक्टेड, देयर विल बी स्केर्सिटी ऑफ फूड एंड क्लीन एनवायरमेंट. द नेक्स्ट जनरेशन वुड नॉट बी एबल टू सी मोस्ट ऑफ द एनिमल स्पीशीज ड्यू टू हैबिटेट लॉस. तो नेक्स्ट जनरेशन पे तो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा बिकॉज उनके लिए जो क्लाइमेट कंडीशन होंगी वो बहुत ज्यादा एडवर्स होंगी. देन क्लीन एनवायरमेंट उन्हें नहीं मिलेगा, स्केसिटी होगी फूड की, एंड ऑल्सो लास्ट में देख सकते हो मोस्ट ऑफ द एनिमल स्पीशीज एक्सटेंड हो जाएंगी, क्योंकि जिस तरह से हम डिफॉरेस्टेशन बढ़ाते जाएंगे हैबिटेट लॉस होगा एंड एनिमल्स विल बिकम एक्सटेंड, है ना. सो नाउ नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल हैपन इफ. अब यहाँ पे कुछ सर्कमस्टांसेस आपको दे रखे हैं, कुछ सिचुएशंस दे रखे हैं, आपको उसे देखना है कि उससे क्या होगा. जैसे फर्स्ट है वी गो ऑन कटिंग ट्रीज विच इज सिमिलर टू डिफॉरेस्टेशन ओनली. सो अगर हम इसी तरह से ट्रीज को कट डाउन करते रहेंगे सो क्या इफेक्ट होगा? इफ वी गो ऑन कटिंग डाउन दी cutting trees, the animals will lose their natural habitat as essential part of their ecosystem are destroyed. So, सबसे पहले तो animals है अपना habitat lose करें क्योंकि उनकी ecosystem का सबसे important part trees ही है. This reduces the biodiversity of the affected area, और जो affected area होगा उसकी biodiversity हिल जाएगी. The temperature of the earth also increases and gives way to global warming. और global warming बढ़ेगी इतनी देर से हम deforestation में यही सारे points घुमा घुमा के कर रहे हैं. ग्लोबल वार्मिंग इन टर्न इफेक्ट दी वॉटर साइकिल. अब ग्लोबल वार्मिंग से वॉटर साइकिल इफेक्ट होती है, हेंस रेनफॉल पैटर्न चेंजेस लीडिंग टू ड्रॉट्स एंड फ्लड्स. और इसी तरह से वॉटर साइकिल चेंज होती है, रेनफॉल का पैटर्न भी साथ में चेंज हो जाएगा एंड उससे नेचुरल कैमिडिटीज जैसे ड्रॉट और फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाएंगे. देन रिस्क ऑफ सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन बेसिकली सॉइल की फर्टिलिटी खराब होना, ग्लोबल वार्मिंग, डिसर्टिफिकेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज, ये सब चीजें बढ़ती जाएंगी. नेक्स्ट बी पार्ट है द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज डिस्टर्ब. सो क्या होगा जब, क्या होता है जब एक एनिमल का हैबिटेट डिस्टर्ब किया जाता है? ऑल द बेसिक नेसेसिटीज फॉर एन एनिमल लाइक फूड, वाटर, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय द हैबिटेट इन विच द एनिमल लिव्स. इन डिस्टर्बिंग द हैबिटेट of the animal force it to move to another place in search of food, water, shelter and protection. So देखो कोई भी animal है उसका habitat क्या करता है, उसको हर वो जो चीज उसको required होती है, जो उसकी necessity होती है वो provide करता है, जैसे food हो गया, shelter हो गया, protection हो गया. So जो भी basic requirements है सब उसे अपने habitat में मिलती है. लेकिन जब उसका habitat ही destroy होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, किसी दूसरी जगह मूव करना पड़ेगा, है ना. इन सर्च ऑफ फूड, वाटर, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन द एनिमल इन ड्यू कोर्स मे गेट किल्ड बाय अदर एनिमल्स. और जब वो ऐसे मूव करते हैं तो हो सकता है ऑन द वे ओनली दे गेट किल्ड बाय अदर एनिमल्स विच इज वेरी कॉमन. इसीलिए जो ये हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन है वो एनिमल लॉस तक पहुंच जाता है ना. Then we have the top layer of soil is exposed. अब deforestation जब होता है तो soil की जो top layer है वो exposed रहती है sunlight में, अगर तेज wind चल रही है हर चीज के लिए वो ही exposed होती है. So removing the top layer of the
soil gradually exposes the lower layers of the soil. Now they are saying जब top layer खराब होनी start होती है तो वो हटेगी तो obviously उसके बाद soil की जितनी भी layers है वो ही सारी effect होंगी, right? Now the lower layers of the soil are hard and rocky in nature and are less fertile. This is because of the reduced quality of humus. Soil erosion on a continued basis will turn it barren and infertile. So, अब जो lower वाली होती है वो ज्यादातर क्या होती है, hard होती है, rocky होती है, because soil में इतना amount of humus नहीं होता. And therefore, with time क्या होगा, जब ये चीजें बढ़ती रहेंगी तो soil barren हो जाएगी, infertile हो जाएगी, मतलब वहां पे in future हम कुछ भी grow नहीं कर पाएंगे, correct? Next है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज आंसर इन ब्रीफ. नाउ अगेन इसमें भी कुछ पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, उनको आंसर करना है. ए पार्ट है व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडायवर्सिटी. अब बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने की क्यों जरूरत है. द वैरायटी इन लाइफ एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, देयर इंटर रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरमेंट इज रेफर टू एज बायोडायवर्सिटी. बायोडायवर्सिटी होता क्या है, ऑल द वैरायटी इन लाइफ एग्जिस्टिंग ऑन दी अर्थ, जो अलग अलग वैरायटी ऑफ लाइफ है, जैसे आप कह सकते हो ह्यूमंस की एक वैरायटी है, अलग अलग स्पीशीज है, एक एनिमल्स की वैरायटी है, सो अलग अलग वैरायटी को सबको कंबाइन करके उनका जो इंटर रिलेशनशिप है, जैसे एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स एंड वाइस वर्सा, वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर एंड देयर रिलेशनशिप्स विद द एनवायरमेंट एंड वी आर ऑल interrelated with the environment also. जैसे environment से हमें sunlight चाहिए, air चाहिए, so we are all dependent on each other. Therefore, we share an interrelationship or a relationship with environment and each other. So all this refers to a biodiversity. तो ये सारी चीजें मिलके biodiversity बनाती है. We should conserve biodiversity so as to maintain the food chain. The disturbance in the food chain may इफेक्ट दी होल इकोसिस्टम. अब हमें क्यों मेंटेन करनी पड़ेगी फूड चेन. नाउ फूड चेन मेंटेन करना इज इम्पोर्टेंट. फूड चेन वी ऑल नो, जैसे हम देखते हैं ये प्लांट को ये एनिमल खाता है, देन इस एनिमल को ये एनिमल खाता है, देन इस एनिमल, तो ये पूरा एक फूड चेन चलता रहता है. एंड ये फूड चेन को मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ये मेंटेन नहीं होगा, लेट्स सपोज कि हम कहते हैं कि कोई एक एनिमल है उसको कोई खाएगा ही नहीं, तो उसकी पॉपुलेशन बढ़ती ही जाएगी, एंड ही नहीं होगी. सो दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. जब हम फूड चेन को ठीक से चलाएंगे तो इकोसिस्टम ठीक से चलेगा. जब ये फूड चेन इफेक्ट होती है तो इकोसिस्टम भी इफेक्ट होता है, ठीक है. नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो नॉट कंप्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स. वाई. नाउ दे आर सेइंग जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं वो भी कंप्लीटली वाइल्ड एनिमल्स के लिए सेफ नहीं होते. वाई. So since capturing and killing of animals by poacher is still rampant in protected forest and areas, so they are not safe for wild animals. So ये जो protected areas है इसमें भी कहीं कहीं पे poachers allowed किए जाते हैं जो कि killing and capturing करते हैं animals की, तो that is why it is not completely safe. ठीक है. Next है some tribal depend on the jungle. How? अब जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो जंगल पे डिपेंड होते हैं कैसे. सम ट्राइब्स डिपेंड ऑन द जंगल फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ सच एज फूड, मेडिसिन, क्लोथिंग, शेल्टर एटसेट्रा. सो वो किन चीजों के डिपेंडेंट होते हैं, जो बेसिक एमिनिटीज होती है, बेसिक चीजें होती हैं, जैसे कि फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, शेल्टर हो गया, मेडिसिन हो गया, दीज आर दी बेसिक नीड्स. और इन्हीं बेसिक नीड्स पे के लिए वो जंगल पे डिपेंडेंट होते हैं. नेक्स्ट है डी पार्ट, व्हाट आर दी कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. तो पहले हमें डिस्कस करना है कि क्या क्या कॉजेज हैं डिफॉरेस्टेशन के, एंड देन उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं. सो कॉजेज क्या क्या है, क्यों डिफॉरेस्टेशन किया जाता है. एक्वायरिंग लैंड फॉर कल्टिवेशन. अब कल्टिवेशन के लिए लैंड चाहिए, इसलिए एक रीजन है डिफॉरेस्टेशन का. कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स इन फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट एरियाज में बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है उसके लिए आपको लैंड चाहिए. ओवर कंजम्पशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स यूजिंग वुड एज फ्यूल. अब क्या करते हैं, जो हमारे ट्रीज वगैरह उससे जो हमें चीजें मिलती हैं उसको ओवर कंज्यूम करना है. जैसे हमने देखा था एक पेपर, एक टन पेपर बनाने के लिए कितने सारे ट्रीज लगते हैं, इसी तरह से वुड को जब हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं वुड की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, एंड उसके लिए अगेन ट्रीज को कट डाउन किया जाता है.
नाउ व्हाट आर दी कॉन्सिक्वेंसेस. अब इससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कर लिए जिसमें हमने देखा डिफॉरेस्टेशन से क्या क्या इफेक्ट होता है, कॉन्सिक्वेंस होते हैं, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग. सो इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ता है, इंक्रीज इन लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग. सो टेम्परेचर बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग होना, ग्राउंड वाटर का लेवल डिक्रीज होना, इम्बैलेंस इन नेचर, नेचर में इम्बैलेंस होता है, रिड्यूस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस होना, डिक्रीज इन रेनफॉल, डिस्टर्प्टेड वाटर साइकिल. सो दीज आर ऑल दी पॉइंट जो हमने बहुत बार अब डिस्कस कर लिए हैं. सो अब आपको काफी सारे पॉइंट थे टिप्स पे याद होने चाहिए कि डिफॉरेस्टेशन से क्या क्या होता है. ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज रेड डेटा बुक. अब रेड डेटा बुक क्या है, नोट्स में हमने डिस्कस किया था. सो रेड डेटा बुक रिकॉर्ड्स डेटा ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स. इट इज मेंटेन्ड बाय IUCN, which is International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources. So, Red Data Book है, ऐसी बुक होती है जिसमें पूरी लिस्ट बनाई जाती है कौन से प्लांट्स हैं जो एंडेंजर्ड है, कौन से एनिमल्स हैं जो एंडेंजर्ड है, एंड देन स्टेप्स लिए जाते हैं जिससे कि हम उनको प्रोटेक्ट कर सकें. ठीक है, सो नाउ मूविंग टू आर नेक्स्ट पार्ट विच इज वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई द टर्म माइग्रेशन. नाउ वॉट इज माइग्रेशन, अगेन दीज आर ऑल दी टॉपिक्स जो हमने नोट्स में डिस्कस करे, दैट इज वाई चैप्टर के नोट्स को अच्छे से समझना, देखना वीडियोज आपके लिए जरूरी है, बिकॉज वहां पे आपको ऑलरेडी चैप्टर का पूरा पता चल जाएगा. तो जब तक आप क्वेश्चन आंसर्स पे आओगे तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स आपको ऑलरेडी आते होंगे. सो डू गो थ्रू ऑल दी नोट्स, जो भी नोट्स की वीडियोज होते हैं उससे जरूर आप गो थ्रू किया करो ताकि आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए, सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर्स रटने ना पड़े. ठीक है, सो नाउ माइग्रेशन क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स और अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर इज कॉल्ड माइग्रेशन. सो जब ऑर्गेनिज्म या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, सो दैट इज माइग्रेशन. क्लाइमेटिक चेंजेस वगैरह की वजह से ऑर्गेनिज्म माइग्रेट व्हेन द एनवायरमेंट बिकम्स इनहैबिटेबल एंड इफेक्ट ब्रीडिंग. तो जब उनकी जो एनवायरमेंट है, वो जो उनका हैबिटेट है, वो उनके हिसाब से ठीक नहीं रहता या क्लाइमेट का इतना चेंज आ जाता है, तो इन सब रीजंस की वजह से वो ब्रीडिंग नहीं कर पाते एंड वो माइग्रेट करते हैं या मूव करते हैं. ठीक है, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6. वी आर गोइंग टू टेक दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेशन. सो आई विल सी यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन टेक केयर एंड बाय.